नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी इंसान के ऊपर से नज़र उतारने के तीन बहुत ही पावरफुल टोटके बताऊंगा। बहुत आसान उतारे हैं ये, एंड जनरली होमली है ये, घर में ही लोग करते हैं, तो बहुत लोग इससे अवगत हो भी सकते हैं और बहुत लोग हो सकता है उनको इसके बारे में ना पता हो। ये उतारे सिंपली सिर्फ नज़र उतारते हैं, तो ये इतने भी इफ़ेक्टिव नहीं है कि आप सोचो कि इससे भूत प्रेत उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। पर अगर आपको फ्रीक्वेंटली नज़र लगती रहती है, आपको कोई भी टोक देता है, या फिर आप कहीं भी जाते हो अच्छे बन के, तबीयत ख़राब हो जाती है वहाँ से आते हो, या कुछ भी आप करते हो, आपके चाहे रूप को लेके, चाहे आपकी किसी भी चीज़ को लेके आपको लगता है कि आपको नज़र बहुत लग रही है या लगती रहती है, तो ये आप उतारे अपने लाइफ में रूटीन में ला सकते हो। वीकली आप इन्हें कर लीजिए, हर हफ्ते में एक बार ही कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। शनिवार को करोगे ज़्यादा इफेक्टिव है, ट्यूसडे करोगे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे ये। तो सिंपली आपने ये उतारे करने हैं, और नज़र वगैरह कोई भी अगर आपको लगी हुई होगी तो वो इनसे उतर जाएगी। हालांकि ये उतारे सिर्फ नज़र उतारने के लिए, ये कोई भूत प्रेत उतारने के उतारे नहीं हैं, तो सभी लोगों के लिए ये, चाहे कोई प्रेत रोगी है या नहीं है, चाहे नॉर्मल लोग भी इसको कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए तीन आपको ये शक्तिशाली उतारे बताता हूँ नज़र उतारने के। फर्स्ट है, आपने पहले उतारा इस तरीके से है कि आपने रुई लेनी है, रुई की पतली बाती बना लेनी है, जो लंबी वाली रुई की बाती होती है वो ले ली आपने, या बना ली रुई ले ली, और उसको यूँ रोल करके इस तरीके से पतली एक वो बना ली, जैसे हम दिए में जलाने के लिए रुई की बाती बनाते हैं, इस तरह बाती बना ली, और उसको सरसों के तेल में डिप कर दिया। और सरसों के तेल में डिप करने के बाद उस जो बाती है उससे अपना उतारा करना है एंटी क्लॉकवाइज 7 times, 7 times एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है उस बाती से। और ये जब उतारा करना है तो रोगी को लिटा के ही करना है, जिसको नज़र लगी हो, सर से पांव तक ही उतारा होगा एंटी क्लॉकवाइज, उतारा करके सीधा बाहर ले जाके इस बाती को जो सरसों के तेल में हमने डिप कर रखी है, इसको आप जला दीजिए। और जैसे आपने जला दिया, वो आप देखेंगे जब वो जलेगी तो उसमें, मतलब उसको इस तरीके से जलाइए कि आप देख सकें कि नज़र उतर रही है कि नहीं। वो कैसे हमने करना है कि हमने सपोज़ किसी छोटे से दिए में उसको रख दिया, आधा दिए में और आधा दिए के बाहर, तो जब वो जलेगी तो टप टप करके गिरेगा तेज़ी से उसमें से, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है दिखाने का कि जो है नज़र उतर रही है। बहुत ज़्यादा टप टप करके गिरेगी वो, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। एंड जब वो जल जाए पूरी तरीके से, या हाफ़ भी अगर वो जल जाए, तो उसके बाद आप उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, और जो है कूड़े में ही वो जाएगी, वो कोई रखने वाली चीज़ नहीं। तो ये बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव होता रहा है, आप सैटरडे को भी कर सकते हैं ये, और वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब भी नज़र लगी हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रुई की बाती बना लो लंबी, उसको सरसों के तेल में डुबो लो, जो भी पेशेंट है उसके ऊपर से सर से पांव तक एंटी क्लॉकवाइज 7 times उतारा करो, और घर के बाहर, मतलब घर के चौक में, मैं बिल्कुल ही घर से बाहर जाने की नहीं कह रहा, घर के चौक में वरांडा में जला दो इसको। वहाँ नहीं जला सकते, किसी फ्लैट वगैरह में रहते हो तो बाथरूम में भी जला सकते हो, बाथरूम में जला दो, जला के जब वो टपक टपक करके वो अपने होलेगी ख़त्म, उसके बाद आप उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। सिंपल एंड इफ़ेक्टिव नज़र उतारने का उतारा। सेकंड उतारे की बात करते हैं। सेकंड उतारा है आपकी लाल मिर्च का, जो साबुत लाल मिर्च आती है, ये आपको किसी भी पंसारी से भी मिल जाएगी, या किसी भी सब्ज़ी वाले के यहाँ से ही मिल जाएगी। साबुत लाल मिर्च आपने 3 लेनी है, और उन साबुत लाल मिर्च से उतारा करना है, सेम प्रोसीजर एंटी क्लॉकवाइज 7 times। ये आप इंसान बैठा हो खाली सर पे से भी आप उतारा कर सकते हो उसके, और लेटा हो तो सर से पांव तक भी कर सकते हो। लाल मिर्च लंबी वाली 3 ही लेनी है बस। इसका उतारा आप पेशेंट खुद अपने ऊपर से भी कर सकता है, यूँ सिंपली उतारा अपने ऊपर से भी कर सकता है, एंड सिंपली आपको फिर ये जला देनी है। आप इसको आग में जला दीजिए, और बाहर जो है क्या कहते हैं, अपने चौक में जला दीजिए, कपूर पे रख के जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और या वैसे ही सिंपली आप इसको जला सकते हैं, जो है जो भी आपको मीडियम दिखे उसमें आप जला दीजिए। बाकी जो है ये उतारा भी नज़र ही उतारता है, कोई उससे अलग बेनिफिट ज़्यादा नहीं देता। इसके अलावा आप तीसरे उतारे की बात करते हैं। तीसरे उतारा है आपका ये जो क्या कहते हैं, नींबू का। अक्सर नींबू के उतारे बहुत इफ़ेक्टिव माने जाते हैं, और बहुत लोग नींबू से उतारा अपना करवाते भी हैं। तो नींबू का उतारा नज़र
उतारने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयोग में लिया जा सकता है। आपने सिंपली एक नींबू लेना है, बिना दाग वाला आप ले लीजिए, एंड अपने ऊपर अपने माथे पे उसको फोरहेड पे टच कराइए नींबू को, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 7 times उतारा कीजिए, एंड उतारा करके उसको आग में जला दीजिए। अगेन वेरी सिंपल उतारा, नज़र उतारने का। आग जलाने के लिए आप कपूर में जला सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। गैस वगैरह पे अवॉइड कीजिए जलाना इन चीज़ों को, क्योंकि वहीं पे गैस की पाइपलाइन भी होती है, कहीं पे कोई चीज़ जलती हुई गिर जाए, कोई और हादसा हो जाए, तो गैस पे मत जलाइए किसी भी चीज़ को। जो मैंने तीनों उतारे बताए हैं, तीनों उतारे आपको अपने यूँ कह लीजिए गैस पे नहीं जलाने, क्योंकि जो उसका है सरसों की बाती वाला, उसमें तो सिंपली वो झट आग पकड़ लेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बाथरूम में भी जला सकते हो, बालकनी में भी उसको जला सकते हो, अपने चौक में भी जला सकते हो, और जो मिर्च वाला है वो भी तुरंत जल जाएगी। आप कपूर पे जला दो उसको ज़्यादा ही दिक्कत है तो। एंड जो नींबू वाला उतारा है ये भी आपको अपने जो है क्या कहते हैं आप बालकनी में जला दो, या अपने वरांडा में जला दो, या अपने चौक में जला दो नींबू का उतारा करके। एंड फोर्थ चीज़ आपको बताता हूँ, आप चाहो तो कपूर का भी उतारा कर सकते हो। सिंपली आपने कपूर का टुकड़ा लिया, क्यूब्स ली, एंड उसको अपने माथे पर टच कराया, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 7 times उतारा करके उसको जला दिया। ये भी आप कर सकते हो, ये भी नज़र उतारता है। तो ये चारों उतारे आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, मतलब जब चाहे किसी को भी नज़र लगी हो, बड़े इंसान को लगी हो, छोटे बच्चे को लगी हो, किसी व्यस्त को लगी हो, औरत को लगी हो, आदमी को, एनी वे, और यहाँ तक कि आपको कोई मिनट के लिए कह लो कि ऐसा लगता है आप कहीं से आए हो, किसी की आपको लगता है कि हर वक्त कोई आपको आपके खुद के परिवार में ही नज़र लगाता रहता है, इवन इन योर जॉइंट फैमिली, तो भी आप इस उतारे को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सिर्फ नज़र उतारते हैं, उससे ज़्यादा कोई बड़ा बेनिफिट ये उतारे नहीं देते हैं। तो आप इनको रूटीनली भी कर सकते हैं, एक दो दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है उससे भी ज़्यादा कोई संकट है और बहुत ज़्यादा हैवी कोई चीज़ है, नेगेटिविटी है, तब आप मेरी धुनी लीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम धुनी लीजिए, उससे भी आप उतारा कर सकते हैं। उससे तो खैर हर तरीके का रोग कट जाएगा, मतलब चाहे कितना ही पारलौकिक रोग है, देवी रोग है, कैसा भी है, भौतिक है, प्रेत आत्माओं के कारण, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक अभिक्रम है, सब कट जाएंगे धुनी से मेरी। बाकी जो इससे पहले मैंने 4 सिंपल आपको उतारे बताए हैं, ये सिर्फ नज़र के हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा इनसे कोई और बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी इसी तरह मिलती रहे। अगर आप किसी भी तांत्रिक अभिक्रम से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत आपके जीवन में, आपके किसी भी घर के परिजन पे है, घर आपका हॉन्टेड है, काम धंधा नहीं चल रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, घर में हर वक्त कलेश रहता है, ये समझ नहीं आता कि हमारे बीच में इतनी लड़ाई कैसे होने लग गई, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का इसके पीछे हाथ हो सकता है, आप तुरंत मेरी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगाइए या प्लैटिनम धुनी मंगाइए, इसे घर में रेगुलरली सुबह शाम जलाइए, आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, रुके काम वापस चलने लगेंगे। बस ये है, आपको रेगुलरली धुनी जलानी होगी कुछ मंथ्स, और आप फिर कमाल देखिएगा, जैसे जैसे नेगेटिविटी बाहर भागेगी वैसे वैसे आपके काम पुनः बनेंगे, कोई भी प्रेत रोगी है ठीक होने लगेगा। मेरे क्रिया वाले नारियल लीजिए, उनसे उतारा करेंगे तो हर तरीके का प्रकोप कटेगा, हर तरीके का ब्लैक मैजिक कटेगा, नेगेटिविटी दूर भागेगी। आपको हमेशा मृत्यु का भय रहता है, या आपको लगता है कि डेथ कॉज हो सकती है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर तांत्रिक अभिक्रम इतना तगड़ा हुआ है कि आपको कुछ भी हो रहा है, तो आप मेरा कवच या लॉकेट ज़रूर पहनिए, आपकी हमेशा रक्षा होगी। दोनों ही चीज़ों के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। आप कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे राय ले सकते हैं और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इस नंबर को देख लीजिएगा। बाकी आप डायरेक्टली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।